नमस्कार। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद में जहां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई, वहीं चिकित्सा विभाग के सीएमओ अवधेश प्रसाद यादव और हमारे तेज तर्रार जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी और टीबी से संबंधित कई डॉक्टर उपस्थित रहे, जहां पर सीएमओ अवधेश प्रसाद का कहना था कि कई ग्राम पंचायत हमने चिन्हित किया था, उन ग्राम प्रधानों को बुलवाया है जिनके ग्राम पंचायतों में जो मरीज थे उनकी इलाज चलती थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उन ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज सम्मानित किया जाएगा। वहीं लोगों को जागरूक किए जो टीबी से संबंधित लोग हैं, कृपया दवाई टाइम से खाएं और दवाई के नागा ना करें। जो ग्राम पंचायतों में अभी कैंप लगना बाकी है, वहां पर अगर कैंप लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर वहाँ अपनी जाँच करवाएँ। अगर ऐसे कोई दिक्कत है तो तत्काल अस्पताल से दवाई लें और दवाई लगातार खाएँ, ऐसे में लोगों को समस्या नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि एक साल के अंदर हमारा मिशन है कि बाराबंकी को टीबी मुक्त बनाएंगे। वहीं आइए सत्येंद्र कुमार जिला अधिकारी ने कुछ क्या बताया, आइए सुनवाते हैं इस खबर में आखिर पूरा मामला क्या है। वहीं पर ग्राम प्रधान से जब बातचीत की गई, ग्राम प्रधान ने कुछ क्या बताया, आइए सुनवाते हैं इस खबर में। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट, आखिर पूरा मामला क्या है, खबर को विस्तार से देखिएगा। खाना पीना खाए। देखिए बात, गांधी जयंती के अवसर पर ऐसे ग्राम पंचायत जिन्होंने अपने गांव से शहरों को पूरी तरीके से उन्मूलित कर दिया है, जो टीबी मुक्त घोषित हो गए हैं, उनके ग्राम पंचायतों के प्रधानों को हमने सम्मानित किया है और साथ में जो टीबी रोगी हैं उनके जो पोषण प्रोग्राम की जानी है उसका भी आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम में आज हम लोगों ने देखा कि सभी ग्राम प्रधान जिन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए अपने गाँव को टीवी में घोषित कराया है, उन सभी लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक अपने पूरे देश को शहरों से मुक्त कराना है, उसी दिशा में अपना जनपद बाराबंकी भी काम कर रहा है और आने वाले एक साल में हम लोग देखेंगे कि पूरा जनपद बाराबंकी उन लोगों का टीवी मुक्त घोषित। सर, जिस तरह से जो टीबी के मरीज होते हैं इलाज के लिए जब आते हैं उनको जब पता चल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ मशीनें हैं, एक्सरे करना, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए ऐसा कुछ लगा में इसको देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि टेस्टिंग बहुत रेगुलरली हो। तो हम लोगों ने हर 1,000 की आबादी पर 30 से ज़्यादा टेस्टिंग हो उसकी तो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। जिस किसी के भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रह रही है उन सभी मरीजों के टेस्टिंग, उनके बलगम की जाँच हो जाए, इसकी तो मैं आस्था मऊ ग्राम पंचायत गाँव ब्लॉक से हूँ। हमारा जो हम लोगों का अथक प्रयास था 2 साल पहले, हम लोग ब्लॉक के लोग जाते थे, उनकी मदद करते थे, उनकी मेहनत जाँच करवाते थे साफ सफाई का हम लोग दूसरे ध्यान रखते थे। आपकी ग्राम पंचायत में कितने ऐसे व्यक्ति टीबी मुक्त रोग हुए हैं, कितने लोग होंगे लगभग? हमारे गाँव में सारे लोग हो गए हैं, हमारे गाँव में कोई टीबी रोग ही नहीं है। आप जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है, हम प्रयास करेंगे आगे भी कि हमारा गाँव ग्राम पंचायत